नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की 9 नवंबर बुधवार दोपहर की खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के तहत ग्राम नई खेड़ी में दो लोगों ने अपने ही परिवार के एक शख्स को धोखे से बुलाकर उस पर हमला कर दिया। हमले में उसकी रीढ़ की हड्डी और पसलियां टूट गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल ग्राम नई खेड़ी में रहने वाले दिनेश और शंकरलाल पिता देवी सिंह का कुछ दिन पहले एमपीबी ने बिजली चोरी का केस बनाया था। दोनों को यह शक था कि उनके परिवार के जीवन सिंह पिता नाथू सिंह आंजना ने इसकी जानकारी दी है। इस पर दिनेश और शंकरलाल ने जीवन सिंह को मिलने बुलाया और पाइप और सरिये से उस पर हमला कर दिया। इसमें जीवन की रीढ़ की हड्डी और पसलियां टूट गई। जाते जाते आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर, उन्होंने धोखे से बुलाया मेरे को। एक भाई खड़ा था, बाकी छुपे हुए थे। जैसे ही गया मैं तो सरिये पाइप लोहे के इनसे मारा मेरे को। मेरी हड्डी टूट गई, इधर रीढ़ की ये पसली टूट गई। और जाते जाते यूँ बताया उन्होंने कि जान से मार देंगे। आगर रोड के मित्र नगर में रहने वाले दो भाइयों को क्षेत्र के बदमाशों ने रुपए नहीं देने पर पीट कर घायल कर दिया। मित्र नगर में रहने वाले 40 साल के शाकिर अली पिता रहमत अली मंगलवार रात 8 बजे घर में भोजन कर रहे थे। इसी दौरान उनसे मिलने उनके बड़े भाई शौकत अली आए। इस बीच क्षेत्र के बदमाश अमजद और समीर भी आए और रुपयों की मांग की। जब शौकत अली ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव करने शाकिर पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। पैरों में लोहे के पाइप से वार करने से शाकिर का पैर टूट गया और सिर पर अंदरूनी चोट आई है। इस संबंध में शाकिर अली ने बताया, मैं घर पर खाना खा रहा था तो बड़े भाई घर में आए थे किसी काम से, तो उस वक्त आके बड़े भाई से मारपीट करने लगे। तो मैं उठ के गया बचाने के लिए, तो उन्होंने मेरे पे भी पथराव करा, पाइप से मारा। उसके बाद में वसूली करने लगे और इस बीच में भाई के मुंह पे मार के पाइप होठों पर और दौड़ लगा ली इन्होंने। एक का नाम तो अमजद है और एक का नाम समीर है। जी हाँ सर, इन पर पहले कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है महाकाल थाने में। जी 8 से 8:30 के बीच ये आगर रोड मित्र नगर। शाकिर अली इलेक्ट्रॉनिक का कार्य करता है और उसकी दुकान है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर इंदौर रोड उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। मायके से पति के साथ बाइक से लौट रही एक महिला की अचानक तबीयत खराब हुई और फिर उसकी मौत हो गई। उन्हेल के पीपलिया डाबी की रहने वाली सपना भाई दूज के लिए आलोट के समीप ग्राम कोल पपैया आई हुई थी। एक साल पहले ही सपना की शादी दिलीप खींची से हुई थी। मंगलवार रात करीब 8 बजे दिलीप पत्नी को लेकर घर जा रहा था, तभी नवादा चौपाटी पर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। दिलीप उसे लेकर उन्हेल अस्पताल पहुंचा, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब होने के चलते उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया। यहां परिजन उसे लेकर जेके अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी दिलीप उसे जिला अस्पताल ले गया, लेकिन यहां भी डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जैसे सर, मैं यहाँ पे घर पे था, अपने घर पे कथा हो रही थी, तो मेरी वाइफ ने वहाँ से फ़ोन लगाया कि मेरे को लेने आओ। तो मैं यहाँ से गया मंडी उसको लेने, तो मतलब कि उसके घर ही जा दिया था मैं, तो वो मेरे को यहाँ नागदा फंटे पे मिल गई। यहाँ पे मिल गई तो मैंने उसको पूछा, तो वो रोने लग गई कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला घर चलो, मैं घर जाके बताऊँगा आपको सब बात। तो मैं, मेरे को बता सही, तो नहीं नहीं अभी चलो तुम, तो मैं घर जाके मैं पूरी बात बताऊँगा। तो मैं वहाँ से लेके निकला सर उनको, तो जैसे निकला, जैसे ही ये नागदा पार करके अपन नवादा चौपाटी जो आता है उन्हेल के पास, यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास आते आते उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी। वैसे वहाँ पे भी थी वो मंडी में भी, लेकिन यहाँ पे आते आते ज़्यादा सीरियस होने लगी। तो मैं भी घबरा गया, तो मैं उनको डायरेक्ट लेके हॉस्पिटल आया हमारे उन्हेल हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसको बताया मैम को, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा, तुम और कहीं लेके जाओ, उज्जैन ले जाओ। तो मैंने मेरे घर वालों को फ़ोन लगाया और गाड़ी मंगवाई। तो जैसे भाड़े की गाड़ी आई ने, जिसको उसको वहाँ पे रखी गाड़ी, मैंने डायरेक्ट जेके हॉस्पिटल में लेके आया। यहाँ पे लेके आए
तो बस वो डॉक्टर साहब ने उनका हाथ में पकड़ा और बताया वो पीनिंग वगैरह लगा के कि बस ख़त्म हो गई। उसके कारण वहाँ से उसका जुआई लाया, जुआई लाने के रास्ते में कहने पेट दर्द हुआ, क्या स्थिति बताई उनने इनको आके, और वो छोरी मर गई। आगे कार्रवाई उनकी माँ आएगी जब होगी, नहीं तो हम चाहते हैं कि पाँच आदमी पाँच लोग मिल के उसका पीएम करवा दें और उसकी डेड बॉडी को जस्कार। लक्ष्मी नगर स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें आचार्य श्री भी शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह समाज जनों ने स्वागत किया। इस दौरान आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि जो मन काला होता है वह तपस्या के माध्यम से श्वेत हो जाता है, जिसका सीधा सा उदाहरण यह है कि कोयले को कितना भी धोया जाए लेकिन कोयला काला ही रहता है, जब वह जल जाता है तो सफ़ेद राख हो जाता है। उसी प्रकार मन का मेल खत्म करने का एकमात्र रास्ता तप है, धर्म है। डॉक्टर सचिन कासलीवाल ने बताया कि इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, विधायक पारस जैन, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज को 11 नवंबर को शाम 4 बजे नगर निगम में प्रवचन देने का अनुरोध किया है। इस पर आचार्य श्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर सेठी नगर में इन दिनों सिद्ध चक्र मंडल महाविधान चल रहा है। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में यह विधान संपन्न हुआ है और विश्व शांति महायज्ञ के साथ यह विधान खत्म हो चुका है। आज उसी को ध्यान में रखते हुए यह शोभा यात्रा श्री जी की निकल रही है और यहाँ से यह शोभा यात्रा पुनः मंदिर जी में पहुँचेगी, जहाँ भगवान के अभिषेक होंगे, तत्पश्चात समाज का स्वामी वात्सल्य होगा और संपूर्ण विधान समाप्त हो जाए। स्ट्राइको 10 रुपए में चले 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा, स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट क्रेडिट बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418 या 9424333300। नगर पालिका निगम उज्जैन एवं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन नई दिल्ली की जिला शाखा श्री अवंतिका देशी चिकित्सक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक मेला प्रांगण में निःशुल्क आयुर्वेदिक रोग निदान शिविर लगाया गया। वेद हसन नवाब सहित अन्य चिकित्सकों ने मरीजों की जाँच की एवं औषधियों का निःशुल्क वितरण किया। सुबह 10 बजे से शाम तक चले इस शिविर में करीब 2,263 मरीजों ने जांच करवाई। शाम को जनपद स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि नगर निगम सभापति कलावती यादव थी। इस दौरान चिकित्सकों का शाल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। भारतीय चिकित्सा पद्धति के हमारे संगठन देशी चिकित्सक आयुर्वेद मंडल और नगर निगम उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में एक निदान और परीक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 2,263 रोगियों की चिकित्सा की गई, उनका निदान किया गया, उन सब लोगों को चिकित्सा अपनी ओर से सारा औषधियां भी प्रदान की गई। और इसी तारतम्य में ये विगत 80 वर्षों से चला आ रहा है और हर बार नगर निगम इसमें पूरी तरह से सहयोगी रहता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अभिभाषक नारायण प्रसाद शर्मा का 91 साल की उम्र में मंगलवार रात निधन हो गया। वह महितपुर विधानसभा सीट से 1972 से 77 तक विधायक रहे थे। इसके अलावा वह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
शर्मा फौजदारी मामलों में जानकार वकील रहे। हाईकोर्ट ने उन्हें इसके चलते सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे रखा था। मूलतः महितपुर के जगोटी के रहने वाले शर्मा के परिवार में 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। उनके छोटे बेटे राहुल शर्मा उनकी ही तरह हाईकोर्ट एडवोकेट है और बड़े पुत्र उमेश शर्मा पेट्रोल पंप के साथ साथ बीमा सर्वेयर का काम भी करते हैं। शर्मा करीब 20 साल से ज्यादा समय तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उनके प्रशंसक और समर्थक हर गाँव में आज भी मौजूद है। अंतिम यात्रा बुधवार को उनके क्षीर सागर स्थित निवास से निकली। इसमें बड़ी संख्या में अभिभाषक राजनेता और शहर के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। चक्र तीर्थ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपने पन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाए सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर, नियर कॉस्मोस मॉल, नाना खेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। और अब खबरें दे दनादन। श्री नवकार सेवा संस्थान द्वारा कार्तिक पूर्णिमा यात्रा के मौके पर बड़नगर स्थित हनुमंत बाग में दंत परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर शिवानी पुगलिया ने सेवाएं दी। 34वीं राष्ट्रीय जीत कुनेडो चैंपियनशिप शीर सागर इंडोर स्टेडियम में 11 से 13 नवंबर तक होगी। इसमें देश के 26 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी एवं ऑफिशियल शिरकत करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर कायस्थ समाजजनों ने भगवान चित्रगुप्त को 56 भोग लगाकर वहां आरती की। महिलाओं ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा में दीपदान किया। पूरा घाट जगमगाते दीपों से रोशन हो गया। देर रात तक दीपदान करने का सिलसिला चलता रहा। गुरु नानक देव जी की जयंती पर सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसायटी द्वारा महाकाल मार्ग स्थित अपंग आश्रम में दूध, ब्रेड, फल वितरित किए गए, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।